हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आई विश का यूज़ देखेंगे। हम अक्सर बात करते समय कोई ऐसी इच्छा रखते हैं जो कि हो सकता है कि संभव हो, पूरी हो जाए, और कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती, फिर भी हम उनकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट वीक मेरा बर्थडे था और मैंने सेलिब्रेट किया, लेकिन उससे पहले मैंने अपने दोस्त को बुलाया था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आई इन्वाइटेड, वो नहीं आया, और आज मैं उससे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। अब टुडे आई एम टॉकिंग टू हिम ऑन फोन, और मैं उससे कहता हूँ कि काश तुम लास्ट वीक मेरे बर्थडे में आते, हमने बहुत इन्जॉय किया। पिछले सप्ताह की बात है, लास्ट वीक की बात है, वह नहीं आया, ही डिडंट कम। और इसीलिए एक ऐसी इच्छा है जो कि अब पूरी नहीं हो सकती, तो इसके लिए हम ये वाला सेंटेंस कहेंगे, आई विश यू हैड कम टू माई बर्थडे पार्टी लास्ट वीक। ओके, लास्ट वीक, जो कि अब पूरी नहीं हो सकती। तो पास्ट की कोई विश जो अब पूरी नहीं हो सकती, उसको या उसके बारे में बात करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आई विश के बाद कोई सेंटेंस जो कि पास्ट परफेक्ट में हो। ओके, इसको नेगेटिव में भी कह सकते हैं। मान लीजिए मैं उसको बुलाया और वह नहीं आया, किसी और को भेज दिया, और हम नहीं चाहते थे वो आदमी आए। तो आई विश हिज फ्रेंड या योर फ्रेंड हैड नॉट कम टू माई बर्थडे पार्टी लास्ट वीक। मैं उसी से बात कर रहा हूँ कि आप तुमने अपने दोस्त को भेजा। आई विश यू हैड नॉट सेंट हिम। ओके, तो इस तरीके से अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस का यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो वही पास्ट की बात, कि पास्ट की कोई विश जो कि अब पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए बात करते हैं। चलिए प्रेजेंट की विश की बात करते हैं। प्रेजेंट में जैसे मैं काम करता हूँ लेकिन बहुत अच्छी सैलरी नहीं पाता। ओके, बहुत अच्छा नहीं कमाता हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात हुई। मैं काम करता हूँ लेकिन अच्छा नहीं कमाता हूँ, तो काश मैं अच्छी अर्निंग करता, काश मैं और अधिक पैसे कमाता, जो कि नहीं कमाता हूँ। तो इसके लिए कहेंगे आई विश का यूज़ करेंगे। आई विश आई अर्नड मोर मनी, पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, आई अर्नड मोर मनी। ओके, प्रेजेंट की बात है, या फिर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, आई विश आई वर अर्निंग वेल, या यूँ कहें जैसे प्रेजेंट की बात है, आई एम नॉट अर्निंग वेल। रियल सिचुएशन ये है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट की बात हो सकती है। तो उसको अगर आई विश के साथ लिखेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करके लिखेंगे, आई विश आई वर अर्निंग वेल, आई वर अर्निंग मोर मनी। यहाँ पर आई के साथ वॉज का यूज़ होता है, लेकिन जब हम किसी अनरियल इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर वर का ही यूज़ करते हैं, प्लूरल का यूज़ करेंगे। ओके, जब हम आई विश का यूज़ करते हैं, ओके, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो। तो इस तरीके से प्रेजेंट की बात करने के लिए पास्ट सिंपल या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। यहाँ एक और एग्जांपल है, आई विश यू केम हियर डेली। सपोज़ मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, फ़ोन पे कर रहा हूँ, और कहता हूँ यू कम हियर अकेशनली, तुम कभी कभी आते हो मेरे यहाँ, काश तुम रोज़ आते हमारे यहाँ और हम इंजॉय करते, खेलते, पढ़ते, बात करते। तो आई विश यू केम हियर डेली, यहाँ पर केम पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। ओके, पास्ट सिंपल, आई विश यू केम हियर डेली, प्रेजेंट की बात करता है और ये पास्ट के लिए है।
ये दोनों प्रेजेंट की बात करते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में कोई काम पॉसिबल नहीं है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, कहता हूँ ठीक है लास्ट वीक यू डिडंट कम टू माय बर्थडे पार्टी, लेकिन नेक्स्ट वीक मेरे ब्रदर का बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे है और तुम यहाँ आओ अगले वीक, नेक्स्ट वीक आओ, और तुम कहते हो अरे मुझे कहीं जाना है 2 सप्ताह के लिए, अगले वीक मैं फ्री नहीं हूँ इसलिए नहीं आ पाऊँगा, उसके बाद जो मैं कहूँगा तो ये वाली बात कहूँगा कि आई विश यू वुड कम टू माई बर्थडे, माई ब्रदर्स बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक माई ब्रदर्स बर्थडे इज नेक्स्ट वीक, आई विश यू वुड कम। इसका मतलब है वुड कम मीन्स यू आर नॉट कमिंग, आप नहीं आओगे, आपने बताया कि यू आर नॉट फ्री नेक्स्ट वीक, तो आप नहीं आओगे मीन्स यह पॉसिबल नहीं है आपका आना, इसलिए हम इसकी इच्छा की बात करने के लिए हम यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। ओके, यू वुड कम टू माई ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। ओके, तो इस तरीके से जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है घटना, उसके बारे में बात करने के लिए पास्ट के लिए ये, प्रेजेंट के लिए ऐसा, फ्यूचर के लिए वुड का यूज़ करते हैं। ओके, या यू वुड बी कमिंग टू माई ब्रदर्स बर्थडे पार्टी भी कह सकते हो कि आई विश यू वुड बी कमिंग टू माई ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, कंटिन्यूस में इसका भी यूज़ कर सकते हो फ्यूचर के लिए भी। ओके, आओगे, लेकिन फ्यूचर की वह घटना जो पॉसिबल है, हो सकता है कि आप आओ, आपसे कहते हैं नेक्स्ट वीक मेरे ब्रदर का बर्थडे है तो आइए, आप कहते हैं चलिए हम देखते हैं ठीक है, या फिर कोई ऐसी बात बताते हैं जिससे ही पता चलता है कि हाँ आ सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। सो इसके लिए हम आई विश का यूज़ नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, आई होप का यूज़ करेंगे, आई होप यू विल कम टू माई ब्रदर्स बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। जो चीज़ पॉसिबल है फ्यूचर की, वो घटना जो पॉसिबल है उसके लिए हम आई होप का यूज़ करेंगे, आई होप यू विल कम टू माई ब्रदर्स बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। ओके, तो इस तरीके से आई विश का यूज़ हमने सीख लिया आज के इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।